नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। अयोध्या में चल रहे राम मंदिर निर्माण के लिए डबरा में भाजपा और विश्व हिंदू परिषद द्वारा राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि संचय यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और विहिप के कार्यकर्ताओं ने सम्मिलित होकर आमजन से बन रहे राम मंदिर में श्रद्धा अनुसार अपनी निधि समर्पण और सहयोग प्रदान करने की अपील की। शहर से निकली इस यात्रा में महिलाएं, बच्चियां, बच्चे और शहर के सभी लोग सम्मिलित हुए, जहां गली गली में निकल रही यात्रा का शहर के लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है और पूरा डबरा शहर राम में नजर आया। वहीं पर ग्वालियर विभाग के राम मंदिर समर्पण धन संचय यात्रा के अभियान प्रभारी नवल शुक्ला ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य मात्र इतना है कि जो हमारा देश लगभग 500 वर्ष से राम मंदिर के भव्य निर्माण का सपना देखता चला आ रहा था, वो माननीय न्यायालय के आदेश से आज पूर्ण हुआ है। बन रहे भव्य राम मंदिर में देश के हर नागरिक का कुछ न कुछ समर्पण किसी न किसी रूप में पहुंचे, इसी उद्देश्य इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा में डबरा के सुप्रसिद्ध धूमेश्वर धाम के संत अनिरुद्ध महाराज और जैन समाज के वे संत सागर महाराज जी मौजूद रहे, जिनका डबरा के लोगों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया और धन संचय यात्रा में अपना समर्पण सहयोग प्रदान किया है। आज यात्रा ये राम जन्मभूमि का जो मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है उसके लिए निकाली है, बहुत हर्ष की बात है और हम सब लोगों का एक उत्साहपूर्वक कार्यक्रम रहा और संयोग जिन लोगों ने कार्यक्रम करा उन लोगों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और ये हम लोगों के लिए भी एक अपूर्ण मतलब बहुत अच्छा दिन रहा, मतलब आज का दिन ये दिवाली ऐसा रहा, पूरा राम में रहा डबरा पूरा। आज जो कलश यात्रा निकाली गई है किस आधार? आज डबरा के बहुत ही खुशी का दिन है। आज कलश यात्रा श्री रामचंद्र जी के एक भव्य मंदिर जो अयोध्या में बनने जा रहा हुआ है, सभी हिंदुत्व के एक साथ होकर इकट्ठा होकर आज पूरी भव्य कलश यात्रा निकाली गई हुई है। उसमें धनराशि का सभी लोग हिंदुत्व एक एक करके जो भी धनराशि देना चाहते हैं स्वेच्छा से अपनी धनराशि एकत्रित करके और अपना कुछ सब लोग की इच्छा थी कि जो है धनराशि एकत्रित करके वहाँ अयोध्या में अपना कुछ स्थान प्राप्त करें, तो उसी चक्कर में आज जो है निकाली हुई है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ जो भी धनराशि देने में इच्छुक है, जो भी जितनी भी राशि हो वो अयोध्या के मंदिर भव्य निर्माण मंदिर में बिल्कुल आवश्यक देकर एक भव्य स्वरूप मंदिर का प्रदान करें। श्री राम जी की भव्य महा जो मंदिर निर्माण जो हो रहा है उसकी जो निधि यात्रा धन संचय यात्रा कह लीजिए सर्वभाषा में, वैसे निधि यात्रा है जो हमारे डबरा नगर के आसपास के क्षेत्र के सारे छोटे से बच्चों से लेकर के बूढ़े बुजुर्गों तक के जो है सब ने इसमें सहयोग किया है और भव्य आयोजन बड़ा उल्लास प्रसन्नता के साथ एक जो है एक अभियान चलाया है। इसमें 10 रुपये से लेकर 1 रुपये से लेकर जो भी गरीब से लेकर के बड़े तक सब सहयोग करने के तत्पर हैं, सब सहयोग कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य और बड़े उल्लास का समय है। जो 500 वर्ष से जिसका इंतजार था वो आज हमारे भगवान श्री राम जी जो अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं, उनका भव्य निर्माण मंदिर निर्माण के लिए हम लोग सब सहयोग के लिए उनकी सेवा के तत्पर हैं। इसलिए इसका जो निधि यात्रा जो बताई गई, इस निधि यात्रा में सभी ने बड़ा सहयोग लिया जोर तोड़ से, हमारे पूरे डबरा नगर ने, आसपास के क्षेत्रों ने, यहाँ के सब छोटे से लेकर बड़े लोगों ने जो निधि यात्रा में सब ने सहयोग किया है और ये यहाँ से जो है इसका संकलन करके जो है धन का और वहाँ योग के लिए सब लोग जाएंगे और हमारा सबका सहयोग वहाँ मंदिर में निर्माण में रहेगा।